गुड आफ्टरनून किड्स किड्स आफ्टर द यस्टरडेज एक्सरसाइज टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर 7 एंड चैप्टर नेम इज द मैजिक स्टेक्स ऑन द पेज नंबर 44। लेकिन बेटा इससे पहले वाला जो आपका 6th चैप्टर है पोएम से पहले वाला वो अभी मैंने लेफ्ट कर दिया है, ठीक है। ये मैं आपको बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, एक ही चैप्टर रह जाएगा। अभी मैं आपको 7 चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आपने जो पोएम लिखी है पोएम के बाद एक्सरसाइज की है कल की, और फिर उसके बाद आप 7 चैप्टर करिएगा डायरेक्ट। नाउ लिसन हियर। वंस देयर वॉज अ रिच मैन नेम्ड ताज सिंह हु लिव्ड इन दिल्ली। ही हैड मैनी सर्वेंट्स। वंस देयर वॉज अ एक समय एक रिच मैन यानी एक अमीर आदमी जिसका नेम क्या था, ताज सिंह, रहता था वो कहाँ, दिल्ली में। और ही हैड मैनी सर्वेंट्स, उसके पास बहुत सारी सर्वेंट्स यानी कि नौकर थे। वन समर डे, गर्मियों की बात थी, ताज सिंह वॉन्टेड टू टेक अ बाथ। ताज सिंह चाहता था नहाना, बात करना। तो वो क्या कह रहे हैं, लेट मी कीप माई गोल्ड नेकलेस ऑन द टेबल वेल वाइल आई टेक अ बाथ। उसने कहा ठीक है मैं अपना गोल्ड का नेकलेस यहाँ टेबल पर रख देता हूँ जब तक मैं नहाता हूँ। फिर जब वो नहाकर वापस आता है, बट वैन ही रिटर्न, जब वो वापस आया, वेयर इज़ माई नेकलेस, उसको वहाँ टेबल पर अपना नेकलेस नहीं मिला, तो कहता है कि मेरा नेकलेस कहाँ गया। नेक्स्ट पेज, ही कॉल्ड ऑल हिज सर्वेंट्स, उसने अपने सारे सर्वेंट्स नौकरों को बुलाया जो वर्क करते थे, कहा हु हैज़ स्टोलन माई नेकलेस, किसने मेरा नेकलेस चुराया। सारे सर्वेंट्स बोलते हैं नॉट आई, मैं नहीं हूँ मास्टर, हम नहीं हैं मास्टर। तेज सिंह वॉज वरीड, तेज सिंह चिंता में पड़ गए। आई विल टेक माई केस टू इंटीरियर अकबर, ओनली ही कैन हेल्प मी, उसने कहा मैं अपना जो केस है ये अकबर, इंटीरियर अकबर के पास लेकर जाऊँगा, वही मेरी मदद कर सकते हैं। उसके बाद वो वहाँ पर देखिए अकबर के पास गए और कहा ही एक्सप्लेन हिज केस टू द इंपीरियर, उन्होंने इंपीरियर को अपना पूरा का पूरा किस्सा सुनाया कि मैं नहाने गया था, मैंने अपना नेकलेस टेबल पर रख दिया और जब मैं रिटर्न वापस हुआ तो वहाँ पर मेरा नेकलेस नहीं था। फिर क्या करते हैं, अकबर कॉल बीरबल, अकबर ने बीरबल को बुलाया टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम्स को, इस समस्या को सुलझाने के लिए। टर्न द पेज, बीरबल आस्क्ड ऑल दी 6 सर्वेंट्स टू कम टू दी कोर्ट, उसने उन सारे 6 के 6 सर्वेंट्स को अपने कोर्ट में बुलाया, एंड गिवन ईच ऑफ यू अ स्पेशल स्टिक, और कहा कि मैं आपको एक स्पेशल स्टिक्स दे रहा हूँ, जो ये देखो यहाँ पर स्टिक दे रहा है, और कहा दीज आर मैजिक स्टिक, ये जादुई छड़ियाँ हैं, दिस इज द स्टिक विद द सम हु हैव स्टोलन द चेन विल ग्रो एन इंच longer बाई टमोरो मॉर्निंग, कहा कि ये मैजिक स्टिक है और ये वो स्टिक है, अगर किसी ने हार चुराया होगा तो उसकी जो स्टिक है कल मॉर्निंग तक 1 इंच बढ़ जाएगी। इंच इसको कहते हैं बेटा, ये जो निशान है हमारी उंगली का, इस पूरे को इंच कहते हैं। उसने कहा कि ये 1 इंच बढ़ जाएगी क्योंकि ये मैजिक स्टिक है। नेक्स्ट डे, फिर अगले दिन ऑल द सर्वेंट्स अपीयर्ड, सारे सर्वेंट्स आए विद देयर स्टिक्स के साथ अपनी उन छड़ियों को लेकर। बीरबल मेजर द स्टिक्स 1 by 1, बीरबल ने सारी स्टिक्स को एक एक करके मेज़र किया यानी नापना शुरू किया। ओनली वन स्टिक इज़ 1 inch shorter, ओनली एक ही स्टिक ऐसी थी जो कि 1 inch shorter यानी 1 inch छोटी थी, जितनी बड़ी उसने दी थी उससे 1 inch छोटी थी। दिस मैन इज द थीफ, उसने कहा ये आदमी चोर है। ही वॉज अफियर डैट हिज स्टिक वुड ग्रो एन इंच longer, ये मैन चोर है और इसने क्या किया, उसको डर था कि जो मैजिक स्टिक है वो 1 inch बड़ी हो जाएगी, इसलिए उसने 1 inch को काट दिया कि अब ये बढ़ेगी तो बराबर रहेगी। सो ही कट द स्टिक बाय 1 inch, जो कि उसने 1 inch काट दिया। द सर्वेंट फेल ऑन हिज नी, सर्वेंट जो था नौकर जो था अपने घुटनों पे बैठ गया। प्लीज़ फॉरगिव मी, उसने कहा प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, आई प्रॉमिस टू रिटर्न द गोल्ड चेन, उसने कहा मैं आपकी गोल्ड चेन को वापस कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। डू नॉट स्टील अगेन, उसने कहा दोबारा नहीं चुराना है। मीन्स कि जो नौकर था उसको ये लगा कि अगर ये मैजिक स्टिक है तो 1 inch बढ़ जाएगी, तो क्यों ना मैं 1 inch काट दूँ तो ये इक्वल रहेगी। ये ऐसा कुछ नहीं था, मैजिक स्टिक नहीं थी, बल्कि ये चोर को पकड़ने का एक तरीका था जो अकबर और बीरबल ने किया था। इसका मतलब ये है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चोरी और बुराई एक ऐसी चीज़ होती है, झूठ भी साथ में, जो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है।